The people of the village said that her next child would certainly be a lucky child. तो जो गांव के लोग थे ना, वो कहते थे कि उनका जो बच्चा है वो निश्चित रूप से बहुत ही भाग्यवान होगा, उनकी हर तरह से सहायता करेगा, ठीक है, और उनके अच्छे दिन लेकर आएगा. द फार्मर एंड हिज वाइफ फेल्ट श्योर दैट दे वुड गेट अ सन हु वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द सेवन सन्स दे हैड. और जो किसान और उसकी पत्नी थी, उनको भी ये विश्वास था कि जो उनका अगला बेटा होगा वो बाकी जो उनके सातों बेटे थे जो कि बहुत आलसी थे उनसे अलग होगा, उनके जैसा नहीं होगा. बट व्हेन द नेक्स्ट बेबी वॉज बोर्न, अलास, इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी बेबी एट ऑल, इट वॉज अ लॉन्ग स्नेक. लेकिन जब उनका अगला बच्चा हुआ तो बड़े ही दुख की बात है, वो एक साधारण जैसे कि नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसा नहीं था. वो क्या था, वो एक लंबा सा सांप था. अब आप सोचोगे एक लेडी के गर्भ से बच्चा कैसे, बच्चा पैदा होना चाहिए, सांप कैसे पैदा हुआ. लेकिन यही स्टोरी में है, आगे देखते हैं क्या होता है. एज सुन एज द स्नेक वॉज बोर्न इट क्रॉल्ड आउट ऑफ द हाउस एंड डिसअपीयर्ड इनटू द जंगल. जैसे ही उस स्नेक का जन्म हुआ ना बेटा, तो रेंगते रेंगते घर से बाहर आ गया और जंगल में कहीं गायब हो गया. सुजाता वॉज वेरी सैड that a snake had been born to her and she was even more sad that the snake had run away. तो सुजाता बहुत ही दुखी थी कि उसने एक सांप को जन्म दिया, और उससे भी ज़्यादा दुखी वो इसलिए थी कि जो सांप है वो वहाँ से भाग गया, ठीक है. She cried and cried for many days because her luck was so bad. वो काफ़ी दिनों तक रोती रही, बहुत रोती, परेशान रहती दिन रात. लेकिन क्या करें, अपने भाग्य को वो कोसती रहती थी कि मेरा जो भाग्य है वो कितना बुरा है, जो सात बेटे हुए वो आलसी, किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करते, ठीक है, और जो अगला बच्चा हुआ वो एक सांप हुआ. वन नाइट सुजाता हैड अ ड्रीम. एक रात की बात है, सुजाता को एक सपना आता है. शी ड्रीम्ड दैट हर स्नेक सन वाज लाइंग ऑन हर लैप एंड दैट ही सैड, डोंट बी सैड अबाउट मी मदर. तो सपना क्या था उसको, सपने में वो देखती है कि जो उसका बेटा यानी कि सांप था वो उसकी गोद में लेटा हुआ था, और वो उससे कह रहा था कि माँ तुम परेशान मत हो मेरे लिए, आई हैव बीन बोर्न अ स्नेक बिकॉज ऑफ अ कर्स, मेरा जन्म एक सांप के रूप में हुआ एक अभिशाप के कारण. व्हाट कर्स, शी आस्क्ड हिम. तो वो सपने में ही पूछती है कि कैसा अभिशाप. आई वॉज अ वेरी रिच मैन, ही रिप्लाइड. तो सांप जवाब देता है कि मैं कभी एक बहुत ही अमीर आदमी हुआ करता था, एंड आई हैड स्टोर्ड अप अ लॉट ऑफ गोल्ड, और मैंने बहुत सारा सोना जमा किया हुआ था. आई डिड नॉट गिव एनीथिंग टू एनीवन, नॉट इवन टू माई मदर, और मैं किसी की भी हेल्प नहीं करता था, किसी को एक पैसा भी नहीं देता था, और तो और अपनी माँ तक को भी नहीं देता था. शी डाइड फॉर वॉन्ट ऑफ फूड व्हाइल आई हैड प्लेंटी ऑफ मनी हिडन अवे. तो कहता है कि मेरी माँ जो है वो बिना खाने के मर गई, ठीक है, जबकि मेरे पास इतना सारा पैसा था जो मैंने छुपा के रखा हुआ था. इट वॉज बिकॉज आई कमिटेड दिस ग्रेट सिन दैट आई वॉज बोर्न एज अ स्नेक, और यही वो पाप था जिसके कारण मेरा जन्म एक सांप के रूप में हुआ. नाउ आई शैल पे फॉर माई विटनेस बाई गिविंग यू एवरी डे 1 inch ऑफ गोल्ड. और इसी धूर्तता के कारण अब मेरा जन्म जो है वो सांप के रूप में हुआ है, और हर रोज मैं 1 inch अब पूंछ जो कि गोल्ड की थी वो मैं तुम्हें दूंगा इस अभिशाप के कारण. 1 inch गोल्ड, हाउ, आस्क सुजाता. सुजाता को जब वो कहता है तो कहती है कि अरे 1 inch गोल्ड वो कैसे. एवरी डे said the snake, I shall come to the house for a cup of milk and when I have drink it you must cut off an inch of my tail, it will turn into gold. तो कहता है सांप कि हर रोज मैं आपके घर आऊँगा एक कप दूध पीने के लिए, ठीक है, और जब मैं इस दूध को पी लूँगा तो आपको क्या करना है, मेरी 1 inch पूंछ जो है वो काट लेनी है, ठीक है, और ये सोने की बन जाएगी. But it will hurt you my child, cried Sujata. अब सुजाता जिसने कि एक सांप को जन्म दिया था, लेकिन जन्म तो दिया था ना, माँ की ममता
तो वो परेशान हो जाती है कि बेटा इससे तो तुम्हें बहुत दुख होगा। नो मदर, सेड द स्नैक, इट विल नॉट डू मी एनी हार्म। तो वो कहता है नहीं माँ, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा। द ड्रीम इज ओवर, और ऐसा सुनते ही जो सपना है वो उसका ख़त्म हो जाता है। द वुमेन गॉट अप एंड लुक्ड टू सी इफ द स्नैक वॉज इन द रूम। तो जो सुजाता थी वो एकदम से उठ जाती है और अपने चारों तरफ देखती है कि कहीं सांप रूम में तो नहीं है, बट इट वॉज नो वेयर। लेकिन जो सांप था वो कहीं भी नहीं था, क्योंकि वो तो एक सपना था। स्टिल शी बिलीव्ड इन द ड्रीम, उसके बावजूद वो सपने पर विश्वास करती है। शी न्यू इट वुड कम ट्रू, और वो जानती थी कि ये सपना पूरा होगा। तो आगे देखते हैं बेटा क्या होता है।